करने वाले थे किक के सीक्वल को डायरेक्ट। क्या दीपिका पादुकोण आने वाली है किक 2 में नजर? किसकी स्टोरी तलाशे में लगे हैं मेकर्स? किक साल 2014 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन हाइस्ट फिल्म थी, जिसे साजिद नारियालवाला द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया है। आने वाले कुछ दिनों में हमें इसका सीक्वल देखने को मिल सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2014 में रिलीज हुई सुपरस्टार सलमान खान की हिट फिल्म किक की आने वाली सीक्वल यानी कि किक 2 के बारे में। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। साजिद नारियालवाला किक सीक्वल का निर्देशन करेंगे। प्रोडक्शन हाउस नारियालवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट ने हाल ही में पुष्टि की कि फिल्म निर्माता के प्रोजेक्ट से बाहर होने की खबरें सोशल मीडिया पर आ रही है। रिपोर्टों के अनुसार निर्देशक रोहित शेट्टी को सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस अभिनीत 2014 की फिल्म के आने वाली सीक्वल के लिए नारियालवाला से निर्देशन की जिम्मेदारी संभालने पर विचार किया जा रहा है। इस खबर को गलत बताते हुए किक की टीम द्वारा अनाउंसमेंट की गई कि हम किक 2 के निर्देशक के रूप में किसी अन्य नाम के जुड़ने की किसी भी रिपोर्ट्स को गलत करार देते हैं। प्रोडक्शन बैनर ने ट्विटर पर एक बयान में कहा, फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म किक 2 नारियालवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के पास है और इसका निर्देशन साजिद नारियालवाला करेंगे। नारियालवाला ने किक के सहायक के रूप में भी काम किया, जो उनके निर्देशन में पहली फिल्म थी। किक 2 अगले साल फ्लोर पर जाने वाली है। 2014 में रिलीज हुई पहली फिल्म 2009 में इसी नाम की तेलुगु फिल्म की ऑफिशियल रीमेक थी। फिल्म में सलमान, जैकलीन और रणदीप हुड्डा मुख्य भूमिकाओं में थे, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फिल्म के मेन एंटागोनिस्ट की भूमिका निभाई थी। फिल्म के स्क्रिप्ट को नारियालवाला और चेतन भगत ने कम्प्लीट किया था। आगे एक और दिलचस्प खबर ये है, दीपिका पादुकोण और सलमान खान को एक साथ एक फिल्म में देखना चाहने वाले सभी फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साजिद नारियालवाला की किक 2 के लिए एक्ट्रेस के नाम पर विचार किया जा रहा है। सलमान खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी कई मौकों पर सामने आई है, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। ऐसे भी अफवाह थी कि दीपिका को अली अब्बास जफर की सुल्तान में सलमान के साथ जोड़ा जाएगा। इसके बजाय अनुष्का शर्मा फिल्म में एक पहलवान की भूमिका निभाती नजर आ सकती है। निर्माता साजिद नारियालवाला के प्रोडक्शन हाउस के एक सूत्र ने एक प्रमुख दैनिक को बताया कि सलमान और दीपिका की कभी न देखी गई जोड़ी जल्द ही बड़े पर्दे पर दिखाई दे सकती है। सोर्सेज ने मीडिया को बताया, अगर आपको याद हो तो दीपिका किक के लिए पहली पसंद थी, लेकिन किसी तरह बात नहीं बनी। फिर फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस को लिया गया और किक ने उनके करियर की दिशा बदल दी। अब किक 2 के लिए दीपिका की भूमिका को बहुत ही बारीकी से एक्सप्लोर किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि दीपिका सिर्फ एक साइड एक्ट्रेस के तौर पर सलमान के साथ कोई भी भूमिका नहीं निभा सकती है। उनकी भूमिका फिल्म में सलमान की तरह स्ट्रांग होनी चाहिए। साजिद इस पर काम कर रहे हैं और फिलहाल फीमेल लीड रोल के लिए कई दिलचस्प स्टोरीज तलाशने में लगे हुए हैं। ऐसे में मौके आए हैं जब फिल्म निर्माताओं ने सलमान खान और दीपिका पादुकोण को एक फिल्म के लिए एक साथ लाने की कोशिश की, लेकिन वे कभी भी बड़े पर्दे पर एक साथ नहीं आए। अब आने वाले दिनों में ये देखना काफी मजेदार होगा कि क्या होने वाला है एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म में रोल। तो आप कितने एक्साइटेड हैं आने वाले सीक्वल में सुपरस्टार सलमान खान और दीपिका पादुकोण को एक साथ देखने के लिए, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साथ ही साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी के साथ मैं तेजल आप सबसे इजाजत लेती हूँ।